नवरात्रि के दौरान मां की हर तरफ पूजा हो रही है। पाकिस्तान से वीजा पर भारत आए हिंदू परिवारों में माता की पूजा को लेकर काफी उत्साह है। ये लोग पाक विस्थापित शिविर में नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ घट व मूर्ति की स्थापना की गई है। मां की आराधना, विश्वास और आस्था किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं होती। कहते हैं सभी धर्मों का मालिक एक होता है, लेकिन बात अगर भारत और पाकिस्तान की करें तो यहाँ के लोगों की कहानी अलग अलग है। पाकिस्तान में बसे हिंदू परिवारों की हालत ये है कि वे लोग वहाँ ना तो मंदिर बना सकते हैं और ना ही अपने घरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी और श्रद्धा भाव से माँ की पूजा कर उपवास रख रहे हैं। मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जगदम्बे माता की। ये नजारा है पूजा डाली बाई मंदिर इलाके का, जहाँ पाक विस्थापित शिविर में नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। शिविर में शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ घट और मूर्ति स्थापना की गई है। ये पहला मौका है जब ये विस्थापित परिवार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें कभी ये मौका नहीं मिला। पाकिस्तान में किसी की नजर ना पड़े इसके लिए ये लोग मिट्टी का छोटा सा मंदिर बनाते थे और उसके अंदर 9 दिन तक दीपक जलाते थे। वहाँ ये लोग छुपकर पूजा करते थे। पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें स्थापना के लिए देवी की मूर्तियाँ ही नहीं मिलती थी, ऐसे में तस्वीर के सामने ही दीपक जलाते थे। वहाँ तो नवरात्रि नहीं मना पा रहे थे, पर यहाँ आके यहाँ मंदिर बनाया है, वो नवरात्रि कर रहे हैं और बड़े उत्सव के साथ है। और यहाँ अभी सर्दी का मौसम है और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया नहीं। गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि हमें जो जल्दी से जल्दी इनको रहने के लिए कुछ कोई प्रबंध कर ले। इस बार शिविर में पूरे विधि विधान से घट और देवी माँ की मूर्ति स्थापना की गई है। साथ ही शिविर में बने मंदिर में सभी लोग सच्चे मन से पूजा अर्चना कर माँ भगवती से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत सरकार इनको यहाँ की नागरिकता दे, ताकि आगे जीवन आराम से बसर कर सके। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि इनको रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए और इनको नागरिकता जल्द से जल्द दी जाए और इनके रहने का प्रबंध किया जाए, ताकि जिस तरह से ये इस साल उत्साह के साथ नवरात्रा मना रहे हैं, उसी तरह ये हर साल इसी खुशियों के साथ ये नवरात्रा मनाते रहे। बहरहाल 1.5 महीने से खुले आसमान में बैठे इन नागरिकों को अब माँ भगवती से उम्मीद है कि पूजा अर्चना के बाद माँ इनको यहाँ की नागरिकता का आशीर्वाद जरूर देंगे। शेरा वाली माई की जय, बोल जोग माया की जय। इस समय जोधपुर से प्रदीप जोशी।